नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में आर पार की जंग चल रही है। बंगाल सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन पर हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनसे मुलाकात की। ममता बनर्जी ने मंत्री जाकिर हुसैन पर हुए हमले को साजिश करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने रेल मंत्रालय पर आरोप लगाया और कहा है कि रेल मंत्रालय अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि मुर्शिदाबाद में रिमोट कंट्रोल के साथ ब्लास्ट हुआ है, जो लोग यहां थे उन्होंने ऐसा बयान दिया है। बंगाल के सीएम ने कहा कि अगर रेलवे स्टेशन पर किसी पर हमला होता है तो उसके लिए रेलवे जिम्मेदार है, क्योंकि यहां पर राज्य की पुलिस के पास सुरक्षा का अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि बीते दिन मुर्शिदाबाद में नीम तीता रेलवे स्टेशन पर मंत्री जाकिर हुसैन पर पेट्रोल बम से हमला किया गया था। हमले के बाद मंत्री को कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।